नमस्कार दोस्तों, नया चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो बाइपार्टाइट के अनुसार ज्यादातर बैंकों ने सैलरी और एरियर तो दे दिया, लेकिन बाइपार्टाइट का दूसरा जो हिस्सा था, जिसमें कि पेंशनर्स के लिए एक्स ग्रेसिया का अमाउंट निश्चित किया गया था, उसका डिसबर्समेंट अभी कई बैंकों ने नहीं किया। मेरी जानकारी के अनुसार सैलरी और रिवाइज सैलरी और उसका एरियर 1/11/2022 से मार्च तक सभी बैंकों ने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया है। अगर कोई बैंक अभी तक नहीं दे पाया तो 31 मार्च 2024 तक सारे बैंक अपने एम्प्लॉयज ऑफिसर्स को 12th बाइपार्टाइट और 9th ज्वाइंट नोट के हिसाब से रिवाइज सैलरी और एरियर पे कर देंगे। यद्यपि ये एडहॉक बेसिस पे होगा, क्योंकि इसमें स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट, CIB की या क्वालिफिकेशन के जो इंक्रीमेंट्स हैं, या PQA या FPA, उसको अभी तक कई बैंकों ने शामिल नहीं किया है। उसको जब एनुअल पेमेंट होगी तो तभी बैंक स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट का रिफिक्सेशन करके और PQA और FPA का नए रेट के हिसाब से पेमेंट करेगी। स्टेट बैंक के द्वारा 25 तारीख को ही सैलरी और एरियर का पेमेंट तो कर दिया गया था, लेकिन अभी तक एक्स ग्रेसिया का पेमेंट नहीं किया गया। जिन बैंकों ने सैलरी और एरियर का पेमेंट कर दिया, उनमें से सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक था, फिर कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। जिन बैंकों ने एक्स ग्रेसिया का भी पेमेंट कर दिया पेंशनर्स को, उनमें कैनरा बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इसके अलावा बाकी बैंक भी प्रोसेसिंग कर रहे हैं और ज़्यादातर बैंक आज 30 तारीख को या कल तक पेमेंट कर देंगे, और स्टेट बैंक भी अपने पेंशनर्स को एक्स ग्रेसिया का पेमेंट कल 31 मार्च 2024 तक कर देगा। ऐसा काफ़ी विश्वसनीय सूत्रों से पता लग रहा है। मेरे पास SBI के पेंशनर्स के काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको एक्स ग्रेसिया नहीं मिला और कब तक मिलेगा। तो मेरा यही मानना है कि इस फाइनेंशियल ईयर के क्लोज से पहले ही 31 मार्च को तक SBI भी एक्स ग्रेसिया का पेमेंट कर दे। दोस्तों, अभी मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें कि सेंट्रल बैंक द्वारा क्लैरिफिकेशन जारी की गई है, जो एक्स ग्रेसिया का अमाउंट होगा उस पर भी TDS अट्रैक्ट होगा कि पेंशनर्स की सैलरी टैक्सेबल ब्रैकेट में आ जाती है और पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सभी पेंशनर अपने टैक्स प्लानिंग एक्स ग्रेसिया को शामिल करके ही करें, ताकि वो सही टैक्स का असेसमेंट कर पाए। दोस्तों, कुछ जो बैंक अभी तक एक्स ग्रेसिया का पेमेंट नहीं कर पाए, उसमें से मुख्य कारण तो ये है कि काफ़ी बैंक के पास पेंशनर्स का डेटाबेस तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन वो कई बार पूरी तरह से अपडेटेड नहीं होता, जिसकी वजह से उन्हें कुछ मैनुअल करेक्शंस भी करानी पड़ती हैं और उस करेक्शन के चक्कर में भी ये डिले हो रहा है। अन्यथा एक्स ग्रेसिया का पेमेंट अब तक सभी बैंकों को कर देना चाहिए था। मेरा इस वीडियो को जारी करने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जितने भी पेंशनर साथी हैं, वो आश्वस्त रहें कि कल 31 मार्च तक उनको एक्स ग्रेसिया का अमाउंट पे हो जाएगा। फिर भी यदि कोई बैंक पे नहीं करता तो वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में तो पे हो ही जाना है, क्योंकि ये बाइपार्टाइट सेटलमेंट का पार्ट है और ये सभी पेंशनर्स के लिए एग्री किया गया है। चाहे अमाउंट वो बहुत मार्जिनल है, बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन ये सभी बैंक इसी फाइनेंशियल ईयर में पे करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें, और अन्य कोई जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।